आईयूपीएसी नोमनक्लेचर में अभी तक अपन कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमनक्लेचर कर चुके हैं यार। आज अपन लास्ट लेक्चर देखेंगे आईयूपीएसी नोमनक्लेचर का, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, या बोल सकते हो कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है और आप नीट जेई की बहुत रफ्तार से तैयारी कर रहे हो। आईयूपीएसी नोमनक्लेचर पर बात कर रहे थे, कई सारे जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमनक्लेचर आप कर चुके हो। आज अपन डिस्कस करेंगे नोमनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, या आप उन्हें बोल सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसे अपन जीओसी 1 में समझेंगे। आप ये समझ लें अभी के लिए कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का अपन क्या करने वाले हैं, आईयूपीएसी नोमनक्लेचर करने वाले हैं यार, ठीक है। तो यहां पर भी अपने पास कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है और नाम अपने आप आ जाएगा भाई। मैं आपको बता देता हूं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो रफ्तार से सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब बटन जब दबता है ना, ठीक है, तो वहां से मोटिवेशन आता है। लाइक का बटन दबता है फिर मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, ना मेरा और ना ही तुम्हारा भाई, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। तो जितना शेयर हो सके यार करो यार, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस कोर्स का, इस क्रैश कोर्स का फायदा उठा सके यार। आपको बस करना है, बस शेयर का बटन दबाना है बस, ठीक है, फिर तो आप जानते हो सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स की, बेंजीन डेरिवेटिव्स का नोमनक्लेचर। सबसे पहला रूल ये आता है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, उससे अगर आपका एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, उससे क्या है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो उस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, उस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो आईयूपीएसी सिस्टम में एप्लीकेबल होता है, उसे आप यूज कर सकते हो। इफ अ कंपाउंड हैविंग वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एट बेंजीन रिंग, देन इट्स कॉमन नेम इज यूज्ड इन आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम में वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि समझें कि यहां पर आप कई सारे भांति भांति के कंपाउंड देखेंगे, जैसे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, अगर उससे एक OH कनेक्टेड है, OH जानते हो सिर्फ एक ही है फंक्शनल ग्रुप, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीन से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो आईयूपीएसी सिस्टम में एक्सेप्टेड होता है, तो इसका कॉमन नाम क्या होता है, फिनोल भाई, ठीक है। उसी तरीके से बेंजीन है, बेंजीन से अगर CHO कनेक्टेड है तो इसका जो कॉमन नाम है वो है बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजीन है, उससे NH2 कनेक्टेड है तो इसका नाम होता है क्या, एनिलीन। अगर आपके पास बेंजीन है, उससे COOH कनेक्टेड है तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास अगर बेंजीन है, उससे अगर आपका सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दैट इज अमाइड ग्रुप कनेक्टेड है तो इसका नाम होता है बेंजामाइड, बेंजामाइड। अगर आपके पास बेंजीन है, उससे सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर कनेक्टेड है, मतलब एस्टर कनेक्टेड है, तो इसका नाम होता है अल्काइल बेंजोएट। अगर आपके पास बेंजीन है, उससे CN कनेक्टेड है तो इसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। तो ये आपके पास पहला रूल ये आता है, अगर आपके पास बेंजीन है, उससे सिर्फ एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कॉमन नाम आईयूपीएसी सिस्टम में यूज आप कर सकते हैं भाई। दूसरे रूल की बात करते हैं, दूसरा रूल क्या आता है, दूसरा रूल ये आता है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उस पर आपके दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हैं, ठीक है, अटैच हैं, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका जो सफिक्स होता है आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, और उस रिंग को आप क्या नाम दोगे, बेंजीन नाम दोगे भाई। If more than one principal functional group are present on the ring, then the suffix of principal functional group is used according to IUPAC rule and ring which is the main part of the compound is named as benzene. इस पॉइंट का क्या मतलब हो इसे समझते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो, तो यहां पर बेंजीन रिंग से क्या कनेक्टेड है, दो OH ग्रुप कनेक्टेड है, और आप जानते हो कि यहां पर ये दोनों ही क्या होंगे, आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये भी आपका PFG होगा और ये भी आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा भाई। अब
ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स है, जो आपने पढ़ा था कि भाई अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल भाई यूज करेंगे, और ये जो रिंग जो मेन पार्ट है कंपाउंड का उसका नाम आप क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा भाई क्या, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। अगर इसका नंबरिंग करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहां पर आ रहा है आपके पास 1.4 डाइऑल। ठीक है, बेंजीन 1.4 डाइऑल, या इसे प्यार से हाइड्रोक्यूनिनोन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्यूनिनोन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, प्यार का नाम है। ठीक है, जैसे घर का नाम होता है ना, जैसे चिंटू, बबलू, पप्पू, ठीक है, उसी तरीके से इसका नाम है हाइड्रोक्यूनिनोन। और अगर स्कूल के नाम की बात करें, दो नाम होते हैं बच्चे के, ठीक है, आप भी जानते हो, आपके भी होंगे भाई, ठीक है, कई सारे बच्चे सोच रहे हैं हमारा भी तो है सर, ठीक है, ठीक है, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, ठीक है, स्कूल से फिर ठीक है, तो ये आपके पास दो नाम है, याद रखेंगे, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ये, और इसका कॉमन नाम आप हाइड्रोक्यूनिनोन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखें, नेक्स्ट आपके पास दूसरा एग्जांपल समझे, जैसे बेंजीन है उससे दो COH कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जानते हो कि COH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यही है, तो ये आपका एक PFG होगा, और ये भी आपका क्या होगा, PFG होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिंग मेन पार्ट है, उसे आप बेंजीन नाम दोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है उसे आप यूज करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिंग मेन पार्ट है, इसका नाम करोगे तो क्या होगा, 1.2, तो ये नाम होगा बेंजीन, बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कहा है, डाइओइक एसिड मैंने नहीं कहा है, क्योंकि यहां पर जो जो COH है उसका कार्बन PCC में इंक्लूड नहीं है, आपका रिंग जो है वो मेन पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसका कोई प्यार का नाम है क्या, कि हाँ भाई है, ठीक है, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, याद रखना है कि ये थैलिक एसिड गैब्राइल पी थैलेमाइड सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं पहले से उसे थोड़ा सा याद होगा, ठीक है, तो यहाँ पर काम आने वाला है यार ये, ठीक है, तो ये दूसरा रूल आया है आपके पास। अभी तक आपके पास दो रूल आए हैं जिन्हें मैं आपको समराइज करता हूँ। पैरा रूल क्या है, बेंजीन से अगर सिर्फ एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसका जो कॉमन नाम होता है वो IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेड होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा रूल ये आया है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, रिंग है, और उस पर अगर दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो IUPAC रूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, और रिंग जो मेन पार्ट है उसका नाम आप क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल आपके पास आता है कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो कॉम्बिनेशन है रिंग और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट का, ठीक है, तो किन्हें छोड़कर, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और इथाइलीन बेंजीन को छोड़कर अदर कंपाउंड में, रेस्ट ऑल अदर कंपाउंड, रिंग जो होगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसका नाम फिनाइल लिखा जाएगा। इस पॉइंट को बड़े आराम से समझना, ये रूल क्या है, इफ अ कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट देन एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और इथाइलीन बेंजीन, इन रेस्ट ऑल अदर कंपाउंड रिंग इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम्ड एज फिनाइल। कि अगर आपका कंपाउंड कॉम्बिनेशन है रिंग और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट का, तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और इथाइलीन बेंजीन को छोड़कर, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें रिंग क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसे आप फिनाइल नाम दोगे भाई। लेकिन मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन और इथाइलीन बेंजीन में आपका रिंग क्या होगा, मेन पार्ट होगा, ठीक है। मिथाइल बेंजीन मतलब ये, मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या, ये भाई बेंजीन, इस पर CH3 कनेक्टेड है, ये मिथाइल बेंजीन, इसका नाम लिख सकते हो, ये मिथाइल बेंजीन है आपके लिए, मिथाइल बेंजीन, और इसका प्यार का नाम क्या है, टोलुइन, ठीक है। इथाइल बेंजीन ये रहा बेंजीन, उस पर C2H5 कनेक्टेड होगा, ये इथाइल बेंजीन हो गया, और एक होता है इथाइलीन बेंजीन, इथाइलीन बेंजीन मतलब ये इथाइलीन बेंजीन, इथाइलीन बेंजीन। इन तीनों में बेसिकली क्या है, इन तीनों में आपका जो रिंग है वो क्या है, मेन पार्ट है, इन तीनों में क्या है, रिंग मेन पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे, और बाकी जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं उनमें जो रिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूएंट होने वाला है, और उसका नाम क्या दोगे आप, फिनाइल नाम दोगे। इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से अपन एलोबरेट करते हैं, पढ़ा था अपन ने उसे थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में अपन पढ़ते हैं भाई,
ठीक है। पॉइंट क्या था हमारे पास, पॉइंट ये था, रूल ये था कि अगर आपका कंपाउंड में कॉम्बिनेशन है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट और रिंग में, देन मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और इथाइलीन बेंजीन को छोड़कर जो भी कंपाउंड होंगे उसमें रिंग जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसे आप नाम लोगे क्या, फिनाइल। जैसे कि समझें कि आपके पास क्या हो, आपके पास अगर मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन है, या आपके पास सपोज इथाइल बेंजीन है, या आपके पास क्या है इथाइलीन बेंजीन हो, ये वाला पार्ट हो, ठीक है। तो इन केस में क्या है, आपका जो रिंग है वो मेन पार्ट है, यहां पे ध्यान रखेंगे, इन तीनों में जो आपका रिंग है वो क्या है, बेसिकली ये जो रिंग है वो आपका क्या है, मेन पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे, रिंग क्या है, मेन पार्ट है। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड होने वाले हैं उनमें रिंग क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसका नाम क्या होगा, फिनाइल होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास कुछ इस तरह से हो, आपके पास अगर कुछ इस तरह से, एग्जांपल देता हूं कि आपके पास अगर कुछ इस तरह से हो, क्या यहां पर ये, ठीक है, तो यहां ये कंपाउंड ना तो मिथाइल बेंजीन है, ना इथाइल बेंजीन और ना ही इथाइलीन बेंजीन है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी रिंग होगी वो क्या करोगे, आप उसे सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे और ये वाला जो पार्ट होगा उसे आप क्या करोगे, मेन पार्ट कंसीडर करोगे। अगर ये मेन पार्ट होगा तो अब इसकी नंबरिंग आप कर सकते हो, ये पीसीसी हो गई, तो नंबरिंग क्या होगी, पहली, दूसरी और तीसरी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसका नाम क्या है, फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बड़ा आराम से लिख सकते हो कि थ्री पर क्या आ रहा है, फिनाइल आ रहा है। देन पी टू यूज करेंगे नहीं क्योंकि ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट माना है। कितने कार्बन है पीसीसी में, तीन, तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है कि हाँ भाई, तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, थ्री फिनाइल प्रोपेन, भाई ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और भी अपन कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस तरह से करें, जैसे कि समझो कि आपके पास अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, सपोज मान के चलो कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं और आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, यहां पर ये और यहां पर ये, ठीक है, और यहां पर सपोज एक NO2 भी लगा देता हूं, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये वाला कंपाउंड ना तो मिथाइल बेंजीन है, ना ही इथाइल बेंजीन और ना ही इथाइलीन बेंजीन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका रिंग होगा उसे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे और ये जो ओपन चेन वाला पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेन पार्ट। तो ये आपका पीसीसी हो गई ये वाली। अब इसकी नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग आप इस तरह से करोगे क्योंकि पहले पर सब्स्टिट्यूएंट आपको हो जाएगा, तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक का नाम है फिनाइल और दूसरे का नाम क्या है, नाइट्रो, MNOP, मतलब N पहले आता है फिर P बाद में आता है, तो पहले अपन इसका नाम लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले पर नाइट्रो आएगा, देन हमारे थ्री पर क्या आएगा, फिनाइल आएगा। P2 यूज करेंगे नहीं क्योंकि ओपन चेन वाला मेन पार्ट है। कितने कार्बन है पीसीसी में, चार, तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ब्यूटीन, तो वन नाइट्रो, थ्री फिनाइल, ब्यूटीन, ठीक है। थर्ड रूल अच्छे से समझ आया भाई, ठीक है। टोटल पांच रूल हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव या एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो तीन रूल की बात अपन कर चुके हैं। फोर्थ रूल अगर देखें, फोर्थ रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड कॉम्बिनेशन है ओपन चेन और क्लोज चेन पार्ट का, ठीक है, तो जिस पार्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप होगा तो वही पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा, और जो अदर पार्ट होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनी वन पार्ट, देन द पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि इस कंपाउंड को देखो, ये ओपन चेन और क्लोज चेन वाला पार्ट है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाएगा, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है भाई, ठीक है, और ये इस पार्ट में है, तो ये वाला जो पार्ट है रिंग वाला पार्ट, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट का आप क्या लिखते हो, P1 लिखते हो भाई। तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर आपका इसका क्या नाम होगा, यहां पर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग होगी पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कि सर यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करी, पहला, दूसरा और तीसरा, भाई आप सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम नंबर पे आना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो पहले तीसरे पे आएगा और यहां से करूंगा तभी पहले तीसरे पर आएगा, तो उस केस में मैं अल्फाबेटिकली देखूंगा इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, तो ब्रोमो वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दे दूंगा। तो यहां पर मेरा नाम हो जाएगा फर्स्ट पर ब्रोमो, थ्री पर प्रोपाइल और यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, वन ब्रोमो, थ्री प्रोपाइल, बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यार, ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड को अगर देखोगे तो ये भी ओपन चेन और क्लोज चेन वाला पार्ट है, यहां पर भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा NO2, ठीक है, ये आपका NO2, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है भाई।
ठीक है, तो ये जो रिंग होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये आपकी पीसीसी बनेगी, ये आपकी पीसीसी बन गई, ये वाला नंबरिंग करोगे पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो पहले पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है नाइट्रो और दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्या, फिनाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बड़ा आसानी से लिख सकते हो आप, इसका नाम हो जाएगा कि वन पर नाइट्रो, वन नाइट्रो टू फिनाइल और पी टू, लिखेंगे नहीं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, कितने कार्बन है पीसीसी में, तीन, तो अपन क्या लिख लेंगे, प्रोपीन, सिंगल बॉन्डेड है, उसका नाम हो जाएगा वन नाइट्रो टू फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ये हमारे पास फोर्थ रूल आता है, याद रखना है कि हमारे पास जब आईयूपीएसी सिस्टम अपन बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, उसके सिर्फ लिए पांच रूल है, अगर वो आपके दिमाग में है तो बहुत रफ्तार से खेल जाओगे यार। ठीक है, फिफ्थ रूल देखो, फिफ्थ रूल क्या बोलता है, फिफ्थ रूल ये बोलता है कि आपके पास दोबारा से, ठीक है, दो ऐसा कंपाउंड है जिसमें ओपन चेन पार्ट भी है और क्लोज चेन पार्ट भी है, तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा वो मेन पार्ट हो जाएगा, और जिसमें नहीं आ रहा होगा उसे आप सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे। अगर आपके पास चॉइस है तो ओपन चेन वाले पार्ट को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बोथ पार्ट देन द पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड, बट इफ देयर इज अ चॉइस देन प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन चेन पार्ट। इस रूल को सिंपल भाषा में समझो, ठीक है, ये तो लिखावट है, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, रात के बज रहे हैं ढाई, ठीक है, रात के ढाई बज रहे हैं और अपन तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो रही पावरी आ रही है, ठीक है, पावरी नहीं हो रही, यहाँ पर नीट और जेई की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई कि आपके पास एग्जांपल अगर बात करता हूँ, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर सपोज आपका OH कनेक्टेड है, यहाँ पर COH कनेक्टेड है, तो आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, एक COH कनेक्टेड है और एक OH कनेक्टेड है, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा ये वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये जो रिंग होगी वो आपका क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगी, और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों पार्ट में प्रेजेंट है तो जहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ कहानी, कुछ रूल्स आते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है, ये पांच रूल आपके दिमाग में होने चाहिए, आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि भाई जब ऐसे बेंजीन डेरिवेटिव्स के नाम आएंगे तो उन रूल का अपन किस तरह से यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। कुछ अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, उन्हें उनका अपन नामकरण करेंगे भाई। ठीक है, जैसे तुम्हारा नामकरण हुआ था कभी, ऐसे ही आज तुम इनका नामकरण करोगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, एक OH कनेक्टेड है और यहाँ पर CH2 CL कनेक्टेड है भाई। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपका अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करूंगा तो OH आपका क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर बेंजीन से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कॉमन नाम आईयूपीएसी सिस्टम में एक्सेप्टेड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नंबरिंग करोगे तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, फोर्थ पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अब आपको पता है बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने दिमाग में चलाएंगे भाई, ये फ्री वैलेंसी या आपकी पीसीसी बनेगी दो कार्बन की, पहला नंबर ये, दूसरे नंबर पे, दूसरे पर क्लोरो और सिंगल बॉन्डेड है इथाइल, मतलब इसका नाम होगा टू क्लोरो इथाइल। तो यहां पर आपका जो नोमेनक्लेचर होने वाला है वो क्या होने वाला है, फोर पर क्या आ रहा है, फोर पर आपके पास आ रहा है क्या, टू क्लोरो इथाइल और एक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका कॉमन नाम आपका आईयूपीएसी सिस्टम में एक्सेप्टेड होगा, इसका कॉमन नाम क्या होता है, फिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा फोर पर टू क्लोरो इथाइल फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पर आपका कंपाउंड गिवन है जो कि कॉम्बिनेशन है ओपन चेन और क्लोज चेन पार्ट का, तो उस केस में यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर आपका एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो जो आपकी रिंग होगी वो क्या हो जाएगा, आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और इसका प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, फिनाइल, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा, ये आपका मेन पार्ट हो जाएगा, और इसकी नंबरिंग करोगे तो एक ही कार्बन है तो पहले पे, तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सीएल है और एक फिनाइल है, मतलब क्लोरो और फिनाइल, और क्लोरो पहले आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पहले पर क्लोरो वन फिनाइल मीथेन, सिंगल बॉन्डेड है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास
दोबारा से ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वहां का कॉम्बिनेशन गिवन है। अब आपके पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप गिवन है, एक COH गिवन है और एक OH गिवन है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होने वाला है। तो आपको पता है कि COH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है भाई, ठीक है। और OH वाला क्या हो जाएगा आपके लिए सब्सिट्यूएंट है, मतलब ये जो रिंग है पूरी आपके लिए क्या हो जाएगी, सब्सिट्यूएंट हो जाएगी और ये आपका मेन पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मेन पार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबर इस कार्बन को, दूसरा नंबर इस कार्बन को, ठीक है, और ये आपके लिए सब्सिट्यूएंट हो जाएगा। इस सब्सिट्यूएंट का नाम क्या होगा, आप इसे नंबरिंग करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पर हाइड्रोक्सी फिनाइल, ठीक है। तो यहां पर आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि सेकंड पर क्या आ रहा है, सेकंड पर आ रहा है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, थ्री हाइड्रोक्सी फिनाइल कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है। और इसका नाम क्या है, दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्डेड है एन और वन ओइक एसिड। अब किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस COH का जो कार्बन है वो PCC में इंक्लूडेड है। अगर PCC में इंक्लूडेड है तो ओइक एसिड लिखूंगा, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा। और यहां से आप E को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे क्योंकि लगातार नहीं आने चाहिए वोबल, ठीक है। नेक्स्ट अगर फोर्थ वाले को देखोगे तो फोर्थ वाले को देखकर आपको कुछ ध्यान आना चाहिए भाई। यहां पर आपके पास बेंजीन है, उस पर दो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हैं, एक OH और एक CHO। आप जानते हो कि CHO की पोजीशन क्या होती है, OH से ज्यादा होती है क्योंकि आप जानते हो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नीचे अमाइन होता है, उसके ऊपर अल्कोहल होता है। मतलब ये आपका जो CHO है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब OH आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूएंट हो जाएगा। अब सब्सिट्यूएंट है, ठीक है, तो यहां पर अगर नंबरिंग करेंगे तो पहला रिंग मेन पार्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो दूसरे पर आपके पास एक सब्सिट्यूएंट है जिसका प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोहल का, हाइड्रोक्सी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसका नाम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, टू पर हाइड्रोक्सी। और अगर बेंजीन से एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसका कॉमन नाम आपके IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेड होता है, तो इसका कॉमन नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर इसका नाम लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, यहां पर एक बेंजीन है जिस पर NH2 कनेक्टेड है और SO3H भी कनेक्टेड है। आप जानते हो कि इन दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ रहे हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा और कौन सब्सिट्यूएंट होने वाला है। प्रायोरिटी ऑर्डर में जाओगे तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता था, उससे नीचे सल्फोनिक एसिड आता था। मतलब आपका ये जो सल्फोनिक एसिड है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा, और ये जो NH2 है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूएंट हो जाएगा, इसका आप P1 लिखोगे भाई। अब यहां पर आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो, नंबरिंग करोगे तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा ये, मतलब फोर्थ पर आपके पास एक सब्सिट्यूएंट आ रहा है जिसका नाम है अमाइनो। और यहां पर बेंजीन से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका कॉमन नाम IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेड होगा, तो इसका नाम हो जाएगा भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये जो है हमारा, इसका कॉमन नाम जो होता है इसे प्यार से बोलते हैं सैलिसाइलल्डिहाइड, ये ध्यान रखेंगे, सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन, ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर आपको तीन फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक BR, एक CN और एक OH। इन तीनों में से डिसाइड करेंगे तो BR को तो हमेशा आप सब्सिट्यूएंट कंसीडर करते हो, OH और CN में से अगर डिसाइड करें तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में देखना पड़ेगा। OH अमाइन के जस्ट ऊपर आता है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर तो साइनाइड आता ही होगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा, मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूएंट, और ये तो वैसे ही आपका सब्सिट्यूएंट होता है भाई। अब यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करने का तरीका दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला तरीका आपके पास होता है ये PFG, ऐसे मेरा नंबर मिलना चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ठीक है। और दूसरा तरीका आप ऐसा सोच सकते हो कि सर ऐसा कर देते हैं, बाहर वाला पहला, दूसरा, तीसरा। देखो यहां पर अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग करूं तो पहले और दूसरे पर, सॉरी, पहले पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, दूसरे पर सब्सिट्यूएंट आ गया। और अगर रेड वाली करूंगा तो पहले पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है लेकिन थर्ड पर सब्सिट्यूएंट आ रहा है भाई, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये वाली ब्लू वाली नंबरिंग क्या होगी, मेरी सही होगी। तो यहां के अकॉर्डिंग अगर मैं नाम लिखूंगा तो इसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी, इसका नाम होगा ब्रोमो, तो अपन इसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो पहले आएगा तो टू पर ब्रोमो, फाइव पर हाइड्रोक्सी, और एक
प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो इसका नाम आप आईयूपीएसी सिस्टम में एक्सेप्टेड होगा, उसका नाम क्या होता है? बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड को देखें, इसे देखकर डरना नहीं है। अब आपके पास ओपन चेन और क्लोज चेन वाले पार्ट हैं। ये आपके पास क्लोज चेन वाला पार्ट है, सॉरी ये आपके पास क्लोज चेन वाला पार्ट है और ये आपका ओपन चेन वाला पार्ट है। तो आप यहां से आप देखेंगे तो भाई किसे आप मेन पार्ट मानेंगे? तो ओपन चेन वाले पार्ट में आपके पास तीन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और यहां पर क्या आ रहा है? एक एक आ रहा है भाई। तो आपका ये वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपके लिए मेन पार्ट हो जाएगा और जो रिंग वाले पार्ट हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? सब्सिक्वेंट हो जाएंगे। इनकी नंबरिंग करोगे तो पहले पर ये, दूसरे पर ये। ठीक है, पहले पर आपके पास तीन क्लोरो आ रहे हैं और दूसरे पर जो सब्सिट्यूएंट आ रहा है उसका नाम क्या होगा? अगर इसकी बात करोगे तो आप इस कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट का अगर नाम लिखना चाहो तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ये फ्री वैलेंसी वाले को पहला, दूसरा, ये तीसरा चौथा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4-chloro-phenyl। ठीक है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है और इनका नंबर बताने के लिए अपन अब किसका यूज करेंगे? बेस स्ट्रेस, समझ रहे हो? न्यूमेरिकल परफेक्ट जो पढ़े थे उनका यूज करेंगे। अब यहां पर देखना इसका नाम क्या हो जाएगा। इसका नाम होने वाला है भाई, बड़े आराम से सुनना, इसका नाम होने वाला है 1,1,1 ट्राइक्लोरो। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, फिर 2,2 बिस, क्या भाई? 4-cyclo-4-chloro-phenyl ईथीन। ठीक है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। ठीक है, 2,2 बिस, 4-chloro-phenyl। बिस क्यों लिखा? क्योंकि दो नंबर में है, ये ध्यान रखने वाली बात है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड है, दो कार्बन है, ईथीन। ठीक है, इसका जो कॉमन नाम है वो होता है डीडीटी। जानते हो भाई, डीडीटी, यही डीडीटी होता है। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ये नाम होता है भाई इसका, डीडीटी। डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये ध्यान रखेंगे, आईआईटी का क्वेश्चन है भाई। डीडीटी क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बायो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपके पास आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद एक जस्ट टॉपिक निकलता है जो एक्सेप्शन आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ईयर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर मेन पार्ट के सिलेक्शन का एक एक्सेप्शन है। किस तरह से? जैसे कि आप समझें कि आपके पास सपोज कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास O, यहाँ पर CH2 CH3 कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप मेन पार्ट का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे? कि आप इस तरह से करेंगे कि जहाँ पर कार्बन एटम ज़्यादा है ना, वो मेन पार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो रिंग वाला पार्ट है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? मेन पार्ट हो जाएगा ये, और ये वाले कम नंबर में ये वाले जो पार्ट है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट यहां पर OCH2CH3 है, मतलब इसका प्रीफिक्स क्या होगा? एल्कॉक्सी, दो कार्बन है मतलब इथॉक्सी। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। ये ध्यान रखेंगे भाई, यहां पर एक एक्सेप्शन आता है ये। या इसे और आराम से समझ सकते हैं, जैसे कि समझें कि आपके पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है कि आपके पास यहां पर ये बेंजीन है, यहां पर ये एनिलीन का डेरिवेटिव बना रहा हूं, एन पर यहां पर ये CH3, यहां पर भी CH3। ठीक है, अब यहां पर आप मेन पार्ट सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जहां पर ज्यादा नंबर में कार्बन एटम है वो आपका मेन पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? मेन पार्ट हो गया, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो वाले पार्ट है वो आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसका जो नाम होगा वो बेसिकली क्या होगा? N, डाइमिथाइल, और ये एनिलीन का डेरिवेटिव है तो एनिलीन। तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन आता है सिलेक्शन ऑफ मेन पार्ट,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जहां ज्यादा नंबर में कार्बन एटम है उसे आप क्या कर लोगे, मेन पार्ट सेलेक्ट कर लोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के एक्सेप्शन आएंगे, तो आपको थोड़ा सा इस चीज इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा यार। ठीक है, तो ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर एकदम तैयार। कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है, एक्सेप्शन देख लिए हैं, रूल पढ़ लिए हैं, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ चुका है अब IUPAC नॉमेनक्लेचर। मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर से अब क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे आप शुरुआत में ही पढ़ते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है, या एग्जाम जब आता है तभी आप इसे रिवाइज करते हो, इसके अलावा आप रिवाइज नहीं करते हो, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करते हो बेसिकली। ठीक है, तो इसको एक बार इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना कि जब आप पूरी केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो इसका जब यूज आए तो आप घबराओ नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म की अपन शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले भाई सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।